हेलो एवरीवन, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट रेखा माथुरी एंड यू आर वॉचिंग गेट लो। एब्स वर्कआउट के साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एब्स वर्कआउट करने का सही टाइम क्या होता है और एब्स वर्कआउट करने से पहले कौन कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो हेल्प करते हैं आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में, और एब्स वर्कआउट हो जाने के बाद आपका मील किस तरह का होना चाहिए या पूरे दिन भर आपको किस तरह से अपना मील लेने हैं, प्रिपेयर करने हैं, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सके। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एब्स की एक्सरसाइजेस, उसके बाद पूरी डिटेल में हम हमारे डाइट और ड्रिंक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस तरह से आप मैट पर लेट जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए और वन बाय वन आप अपने पैरों को इस तरह से उठाएंगे और ऊपर की तरफ आपको आना है। जब आप ऊपर उठेंगे तो आप सांस को छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे और नीचे जाएंगे तो सांस को लेते हुए। ये आपको 15 बार दोहराना है, 15 बार एक तरफ, 15 बार दूसरी तरफ। एक्सरसाइज में आप इस तरह से अपने घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, हाथों को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और हाथों को बिल्कुल भी आप इस तरह से हिलाएंगे नहीं, यहाँ से वहां सीधा रखेंगे और सीधा आपको ऊपर सीलिंग की तरफ उठना है और ये आपको 15 बार दोहराना है। जब आप ऊपर उठेंगे तो ब्रीद आउट, नीचे आएंगे तो ब्रीद इन। अब थर्ड एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से अपने पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर ही पैरों को रखना है, हाथों को इस तरह से दोनों टांगों के बीच में सीधा रखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हिलाना है और जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो हमें अपने टोज को टच करना है। ब्रीद आउट जब ऊपर जाएंगे, ब्रीद इन जब नीचे आएंगे, ये आपको 15 बार करना है। अगले एक्सरसाइज के लिए इस तरह से घुटनों को आप फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे और क्रंचेस करने हैं आपको, लेकिन फुल नहीं, हाफ। ये भी आप 15 बार एक तरफ दोहराएंगे।
एक्सरसाइज में हमें फुल क्रंचेस करने हैं, जिसके लिए आपको पूरा हाथों को इस तरह से पीछे रखना है और घुटनों को मोड़ते हुए पूरा टच करना है घुटनों से अपने माथे को, और ये आपको 15 बार दोहराना है। ब्रीद आउट जब आप ऊपर की तरफ आएंगे, वर्कआउट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। जैसे ही आप बेड से उठते हैं, आप कोई ड्रिंक नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, सीधा अपना एब्स वर्कआउट शुरू कर देंगे, क्योंकि एब्स वर्कआउट करते वक्त हमारा जो स्टमक है बिल्कुल खाली होना चाहिए, लाइट फील होना चाहिए हमें, और मॉर्निंग से बेटर कोई टाइम हो ही नहीं सकता। बट ये सबके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, हर एक बंदा इस रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी पूरे दिन में कभी भी आप अपना एब्स वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, आपका जो स्टमक है वो खाली होना चाहिए, आप लाइट फील होना चाहिए आपको एब्स वर्कआउट करते वक्त। 3 ड्रिंक्स यहां पर मैं आपको बताऊंगी जो आपको आपके एब्स वर्कआउट के 15 मिनट पहले ले लेनी है। फर्स्ट ड्रिंक ये रही मेरे चैनल पे, जो आपको एक ही ग्लास लेना है वर्कआउट के 15 मिनट पहले। दूसरी भी ड्रिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ये भी आपको एक ही ग्लास लेना है वर्कआउट के 15 मिनट पहले। इनके बेनिफिट्स और ये किस तरह से आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ये पूरा मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप ये दोनों ही ड्रिंक्स नहीं लेना चाहते, तो आप मार्केट में मिलने वाली कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं एब्स वर्कआउट के 15 मिनट पहले। अब बात कर लेते हैं एब्स वर्कआउट के बाद के मील की। जब हम हमारा एब्स वर्कआउट कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और उस टाइम पे ही हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक न्यूट्रिशन रिच मील की, एक कंप्लीट मील की। एक कंप्लीट मील वही होता है जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट एडिक्वेट अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ऐसा ही मील आपको अपनी बॉडी को देना है, और उस टाइम पे अगर ये मील आप अपनी बॉडी को देते हैं, तो वो उसे बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। और पूरे दिन में आप जो भी मील्स लेते हैं, लाइक जो हमारे 3 बड़े मील्स होते हैं और 2 छोटे मील्स होते हैं, तो इनकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है, बहुत ओवर ईटिंग नहीं कर लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। यही एक सबसे बड़ा फंडा होता है हमारे एब्स को रिड्यूस करने का, कि आपको 2.5 से 3 घंटे में खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है। जितना हो सके अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा और खाना बेवजह आपके स्टमक में पड़ा नहीं रहेगा, और आपके बेली फैट को रिड्यूस होने में जल्दी से जल्दी हेल्प मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।